Hello everyone, welcome to the channel The UTC. In this video, we discussed about the latest vacancy declared by State Bank of India. हाल ही में State Bank of India के द्वारा Provisionary Officer PO पोस्ट के लिए वैकेंसी डिक्लेयर की गई है. तो हम इस वीडियो में इस पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया कौन सा है और अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें. और हमारी वेबसाइट governmentjobscareer.in, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ से भी आप पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD PO 2021-22-18. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 5 अक्टूबर 2021 to 25 अक्टूबर 2021. ओके, तो टोटल पोस्ट जो हमारी है वो है 2056. यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है, जैसे कि SC कैंडिडेट के लिए 324 पोस्ट, ST के लिए 162, OBC कैटेगरी के लिए 560, EWS के लिए 200 एंड जनरल कैटेगरी के लिए 810. सब मिला के टोटल पोस्ट 2056 वैकेंसी डिक्लेयर की गई है. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन. जो भी कैंडिडेट कौन से भी फील्ड से ग्रेजुएट हो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है. या फिर दोज हु आर इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 December 2021. मतलब कि जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर और या फिर सेमेस्टर में हो, अगर उनका सिलेक्शन होता है और इंटरव्यू के लिए उन लोग को इंटरव्यू में वो लोग कैंडिडेट को बुलाया जाए, तो इंटरव्यू के दिन कैंडिडेट का ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए. ओके, दैट इज़ दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. नाउ टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडिटिंग, मॉडिफिकेशन 5 अक्टूबर to 25 अक्टूबर. पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 5 अक्टूबर to 25 अक्टूबर, लास्ट डेट 25 अक्टूबर है. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर और फेज वन ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नवंबर या फिर दिसंबर में शेड्यूल किया जाएगा, उनका रिजल्ट दिसंबर में. देन आफ्टर डाउनलोड ऑफ मेन एग्जाम कॉल लेटर, फेज टू जो मेन एग्जाम होगा वो December 2021 में होगा, रिजल्ट January 2022 में दिया जाएगा. देन आफ्टर फेज थ्री इंटरव्यू 2nd-3rd week of February. देन आफ्टर फाइनल रिजल्ट February or March 2022 में. और जो भी कैंडिडेट SC ST या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो, उसकी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होगी, उसका शेड्यूल भी यहाँ पे दिया गया है. देन आफ्टर एज लिमिट, नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स. ओके, और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा. देन आफ्टर सबसे इम्पोर्टेंट, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा. तो SBI के द्वारा तीन फेज में एग्जाम लिया जाएगा, फेज वन, फेज टू एंड देन आफ्टर फेज थ्री. फेज वन प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 100 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स होंगे टोटल, और उसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 आवर का रहेगा. ओके, देन आफ्टर फेज वन में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड होंगे, जो SBI डिसाइड करेगा, वैकेंसी के अप्रोक्सीमेट 10 times कैंडिडेट को फेज टू के लिए बुलाया जाएगा. फेज टू में मेन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा. मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 मार्क के लिए और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 मार्क के लिए रहेगा. और जो भी कैंडिडेट फेज टू क्वालिफाई करेगा, उसको वैकेंसी के 3 times कैंडिडेट को फेज थ्री के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें द थर्ड फेज में कॉम्प्राइज इंटरव्यू ओनली 50 मार्क्स का, या फिर इंटरव्यू 30 मार्क्स एंड ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क का रहेगा. ओके, तो आशा रखता हूँ कि सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो आपको, या फिर हमारी वेबसाइट governmentjobscareer.in पे जाके भी आप पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.